भाई भाई तो पापा क्या बोलते, धोखा मत दे। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, करो करो। फिर कॉल आ गई, पापा इमोशनल होगा भाई, मुझे पापा क्या इमोशनल होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, सुबह सुबह का टाइम है और बकरे आ रहे हैं हमारे, तो हम लोग बकरों का खाना लेने के लिए जा रहे हैं, तो खाना लेकर आते हैं फिर आगे की बात करते हैं। बकरों का खाना लेने के लिए जा रहे हैं और बाइक पे वीडियो बना रहे हैं, आसान नहीं है। एक हाथ से बाइक चलानी है आपने, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के आपने वीडियो भी बनानी है। बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है भाई। चलो यार, दुकान आ गई है बकरों के खाने की, मेरे ख्याल से शायद बंद हो गई यार, लेकिन देखना पड़ेगा। हाँ कोई है? दुकान वाले का नाम है जॉन्टी, जॉन्टी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है। यार हमारी फारी हो गई है, ये वाली दुकान बंद है, अब किसी और दुकान पे जा रहे हैं उनका खाना लेने बकरों का, तो जाके देखते हैं यार क्या है। आ गए भाई अगली दुकान, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या जंतर है? 100 रुपये का भाई, 2 बकरे हैं हमारे पास, तो हम लोग जंतर लेंगे। ये जंतर है माशाल्लाह। यार मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है अभी, बस मुझे ना बकरों को खाना डालकर सोना है यार, पूरी रात बहुत ज़्यादा देर। कितने? 2 बजे खाना लेके आ गए हम लोग। खाना मैंने फिलहाल अभी नीचे रख दिया वहाँ पे, क्योंकि ये बकरे जो ना बड़े परेशान करते हैं यार, और बकरे तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, तो हम प्रेजेंटिंग हमारे 2 बकरे। यार ये रात में ही उनको लेकर आया हूँ, और सारा सिस्टम हम मैंने पूरा रात में बनाया है, ब्लॉक्स लगाए इनके खाने का, ये चादर वगैरह पूरा सेटअप ये रात में ही मैंने करी। अच्छा हाँ भाई, क्या हाल है? और ये बकरा और ये मुर्गे वगैरह तो यार ये पहले से यहाँ पे रखे हुए थे, ये घूमते रहते हैं, ये ब्लैक वाला, ये वाइट वाला, और ये बेचारा एक छोटा सा है, इसकी भी एक दुख भरी कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। खैर अभी बहुत लेट हो रहा है, इन लोगों को पहले खाना डालते हैं, काफ़ी टाइम से भूखे हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी। डन हो गया भाई, बकरों को खाना डाल दिया, माशाल्लाह बकरे खा रहे हैं। अब ये इनको खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुर्गियों को जो है कि यार थोड़ी देर बाद डलेगा खाना, मुर्गियों को ये कि सुबह उठ के थोड़ी देर बाद डाल दूँगा, मुर्गियों का चलता है। फिलहाल बकरे जो है ना बहुत ज़्यादा भूखे थे, रास्ते इनको कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने सुबह उठ के इनको खाना डाल दिया। अब ये है कि यार मैं थोड़ी सी देर सोऊँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उठ के फिर आप लोग से मिलता है। ओके भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग भाई। और नहा भागे बिल्कुल फ्रेश चकचक, दाना सा निकल गया यार यहाँ पे, यार पता नहीं क्या अजीब सिस्टम, मिट्टी की धूल मिट्टी इतनी हो रही है हवा की वजह से, बहुत दाना वाना निकल गया, बहुत मस्त बिल्कुल बैठे हुए माशाल्लाह। छाँव बिल्कुल सही वाली सेटिंग बनी हुई बकरों की और मुर्गों की भी बनी हुई, आराम से ये बैठे हुए। अब ये है कि शाम में इनको आना है, शाम में इनको खाना डालना है, खाने लेकर आना है, लेकिन अभी मुझे जाना है अपने ऑफिस, ऑफिस आ गया हूँ मैं, तो एज यूजुअल यहाँ पे लाइट नहीं है, तो खैर ही मेरा ऑफिस है, ये सोनिक मोटर्स के नाम से मेरा ब्रांड है, मैं असल में बाइक के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं ना उनका काम करता हूँ, बाइक के जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं, ठीक है। उसका जो टूर है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा बहुत जल्द, लेकिन अभी ये कि फ़िलहाल यार मुझे थोड़े ज़रा काम है, और उन काम के बीच में हो सकता है मैं शायद वीडियोज ना बना सकूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोग से मिलता है, ठीक है। हाँ जी भाई जान, ऑफिस से आ गए घर, ये कि थोड़ी सी देर हो गई है यार ऑफिस से आने में, और बकरों की आवाज़ आ रही है, और बकरे फुल भूखे हैं, बकरों का खाना भी लेकर। अबे यार ये क्या हुआ,
यार ये दोबारा बांधनी पड़ेगी सही से मुझे। हवा असल में बहुत ज्यादा तेज है ना, हवा का प्रेशर इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुश्तवा? नमस्कार, आप सुनाए कैसे हैं? किसका फोन आया? अस्सलाम वालेकुम जान, क्या हाल है भाई? और क्या कर रहे हो सब? अच्छा भाई, ये हम लोगों का ऑफिस है, जो मैंने आपको बताया था कि यार सुबह वाला ऑफिस अलग है, रात वाला ऑफिस अलग है। तो ये हमारा जरा छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा ऑफिस है, ये नन्ना मुन्ना सा हमारा, ये एक ये बंदा और ये नन्ना मुन्ना सा हमारा एक ये बंदा। यहाँ पे हमारे पास 3 PCs हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं, और हम लोग का मीडिया से रिलेटेड सारा काम है। हमारा ये ऑफिस है, अभी यहीं पर हम लोग सारी गपशप लगाते हैं। यार एक बार नूरिया देखो वीडियो बना ली, वीडियो प्ले नहीं की हमारी, खैर सीन नहीं हो गया यार। अभी हम लोग को सुफियान जाना था, लेकिन मुश्तबा के घर से कॉल आ गई है कि भाई आप जो है घर पर आ जाएं। मुश्तबा के बड़े मसले हैं यार, बहुत बैड सीन है। अभी अपने पप्पा से बात कर रहे हैं, इसके पप्पा की फिक्स 1 बजे कॉल आया थी, बस 1 बजे और पप्पा ट्रेन ये रहे भाई, बिल्कुल 1 बजे फिक्स टाइमिंग है इसके। इसके पप्पा को है ना कॉल फौरन घर पे चाहिए इसका। ये अभी गया है बाहर, जा रहे हैं बात करने। अभी अभी मैं मुश्तबा के पप्पा से बात करूँगा भाई, थोड़ी देर ये बात हो। अस्सलाम वालेकुम, आके बात कर रहा हूँ मुश्तबा का दोस्त ना। ये मुश्तबा के अब्बू कन्वेंस करें हम। असल में अंकल, मैं आपको आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने मुश्तबा भी बोला था। ये है इनकी हालत, देख सकते परमिशन मैं आपसे ये कहना चाहता था, अगर आप जैसे एक दफ़ा आप भले से यहाँ पर आ भी जाएँ, यहाँ पे हम लोगों ने मतलब प्रॉपर तरीके से रूम अपना सेपरेट करके ना अपना ऑफिस वगैरह सेट किया है, कि फिर आप कर लें उससे बात। हेलो भाई, बात तो हो गई थी, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। डन हो गया भाई, डन हो गया। कन्वेंसिंग पावर है भाई मेरे, कन्वेंस कुछ तो आगे पापा को मैंने कन्वेंस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धोखा मत देना मुझे, भाई मुझे तो पापा क्या बोलते, धोखा मत देना। वीडियो को ये एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे। अस्सलाम कुछ बोल भी दो तुम भी यार, क्या हो? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पप्पा देखेंगे। ओके बेल्ला, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल।